लेकिन यहाँ पर हम लोगों में भी जातिवाद है। यदि कोई वाल्मीकि भाई आता है तो हम लोग खुद उसका सम्मान नहीं कर पाते हैं। पहले इन लोगों को, स्वयं शेड्यूल कास्ट के लोगों को, आपस में जातिवाद को खत्म करना पड़ेगा। पुलिस तुम्हारी नहीं सुनेगी, क्योंकि यहाँ की न्यायपालिका उनकी है, कार्यपालिका उनकी है, विधायिका उनकी है, फौज उनकी है, हमारे पास केवल संविधान है। सर हुई बीएचयू में तो बनारस में इंदु चौधरी को पहले उसको बाइकाट किया गया, उसको मकान नहीं दिया गया, उसको ज्वाइनिंग नहीं करने दी, उसको कॉलेज की क्लास के अंदर नहीं घुसने दिया, और यहाँ तक कि लड़कों से जो जातिवादी लोग थे, जो आरएसएस का एक विंग है स्टूडेंट का, उसे बीएचपी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो उसने भी विरोध किया। लेकिन हाई कोर्ट में जाने के बाद, सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद उस लड़की को ज्वाइनिंग मिली। ये देश जाति का देश है, ये देश सांप्रदायिकता देश है, ये देश ऊंच नीच का देश है, ये देश भेदभाव का देश है। जबकि हमारा भारतीय संविधान जो 14 अनुच्छेद है वो समानता की बात करता है, मानवता की बात करता है, बंधुता की बात करता है। लेकिन आप देख रहे हैं कि देश में मूछ रखाने पर मार दिया जाता है, और घोड़ी पर छनने पर दूल्हे को गोली मार दी जाती है, और बच्चा पानी पीता है इंद्र मेघवाल तो उसको मार मार के लोहूलुहान कर दिया जाता है। ये देश जातियों का देश है। ये देश बहुत दिन से इतना रहे ध्यान सताने के साथ साथ, हम भी बदल रहे हैं जमाने के साथ साथ, ये जुल्म बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इस जुल्म का मुकाबला किया जाएगा। आत्मसम्मान के साथ, आत्मसम्मान के लिए हम लोगों को लड़ना पड़ेगा। डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था, सेल्फ रेस्पेक्ट इज मोर इम्पोर्टेंट देन मेटल गेन, आवर स्ट्रगल फॉर सेल्फ रेस्पेक्ट। तो डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा, धन कोई चीज नहीं है, गाड़ी कोई चीज नहीं है, महल कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन यदि आदमी सम्मान को खोता है, सम्मान सबसे बड़ी चीज है, और सम्मान के आदमी के लिए आदमी को कुर्बानी देनी चाहिए। नीतू के साथ यदि भेदभाव हुआ है, नीतू के साथ यदि किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, नीतू के साथ ऊंच नीच का भेदभाव हुआ है, तो उसके लिए हम लोग सब साथ हैं, हम उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या किया जाए, यहाँ पर राष्ट्रपति भारत का पहला सदस्य होता है, पहला नागरिक होता है, लेकिन रामनाथ कोविंद को जगन्नाथपुरी के मंदिर में घुसने नहीं दिया जाता है। जब इतने बड़े राष्ट्रपति को, इतने बड़े व्यक्ति को नहीं घुसने दिया जाता है तो अन्य लोग क्या करेंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे चापलूस लोग हैं, आरएसएस से निकलकर आते हैं, उन्होंने शेड्यूल कास्ट के लोग, उन्होंने बैकवर्ड के लोग, उन्होंने अनुसूचित जाति के लोग, आदिवासी लोगों को कुछ ऐसा फोड़ रखा है, उसकी वजह से ये सब चल रहा है। जब तक यहाँ पर जातिवाद खत्म नहीं होगा, जब तक यहाँ पर ऊंच नीच खत्म नहीं होगी, जब तक ये आदमी ये कहते रहेंगे मैं इतना ऊंचा शेड्यूल कास्ट हूँ, तू इतना नीचा शेड्यूल कास्ट है, मैं इतना ऊंचा बैकवर्ड हूँ, तू इतना नीचा बैकवर्ड है, अरे बैकवर्ड तो बैकवर्ड होता है, शेड्यूल कास्ट तो शेड्यूल कास्ट होता है, एससी तो एससी होता है, शेड्यूल ट्राइब तो शेड्यूल ट्राइब होता है। लेकिन यहाँ पर हम लोगों में भी जातिवाद है। यदि कोई वाल्मीकि भाई आता है तो हम लोग खुद उसका सम्मान नहीं कर पाते हैं। पहले इन लोगों को, स्वयं शेड्यूल कास्ट के लोगों को, आपस में जातिवाद को खत्म करना पड़ेगा। पहले इनको, आप देख रहे हैं धीरे धीरे उसका रिजल्ट आ रहा है। आप देख रहे हैं कि प्रीतम सिंह जो लोधी है, उसने, आप देखेंगे मध्य प्रदेश में एक भूचाल आ गया है, कुशवाहा ने बहिष्कार कर दिया मनुवाद का, आपको बता दें मेघवाल लोगों ने बहिष्कार कर दिया है, आपको बता दें लोधी लोगों ने, यादव लोगों ने, जो पढ़े लिखे लोग हैं बैकवर्ड के लोग वो उस बात को समझ रहे हैं। लक्ष्मण यादव जैसे लोग, रतनलाल जैसे लोग, अन्य पढ़े लिखे लोग इस काम को कर रहे हैं, और इस काम के लिए हम लोगों को सबको एकता की सीढ़ी में बनना पड़ेगा, और इसके लिए ऐसे नहीं है, इसके लिए कुर्बानी देनी पड़ेगी, इसके लिए आपको बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं इन्हीं शब्दों के साथ यहाँ के तमाम देश के लोगों से, ओबी से, एससी से, एसटी से, आदिवासियों से निवेदन करूंगा, सब एक हो जाओ और जातिवाद के जुल्म को जो जड़ में से उखाड़ फेंको, जातिवाद के जुल्म का तुम मुकाबला करो। मैं अपने लोगों से कहता हूँ कि आप किसी भी पुलिस थाने में मत जाना, पुलिस तुम्हारी नहीं सुनेगी, क्योंकि यहाँ की न्यायपालिका उनकी है, कार्यपालिका उनकी है, विधायिका उनकी है,
फौज उनकी है, हमारे पास केवल संविधान है। संविधान के सहारे हम इस जुल्म की लड़ाई को लड़ेंगे और FIR कराने की कोई जरूरत नहीं है। आप उसका बदला लेने के लिए स्वयं तैयार हो जाओ, स्वयं आगे आ जाओ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं तमाम देश के दबे पिछड़े कुचले लोगों के लिए आह्वान करता हूं कि आप लोग सब एक हो जाओ, आपस में भाईचारा बनाओ, आपस में भ्रातृत्वभाव बनाओ, आपस में खान पान बैठ कर खाओ, आपस में रोटी और बेटी का संबंध करो। तुम लोग दूसरी तरह नहीं कर सकते हो तो कम से कम बैकवर्ड में करे, शेड्यूल कास्ट में करे, तो एकता आएगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। अरे भाई, प्रिंसिपल हो, राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, कानून तो सबके लिए IPC एक ही है, एक ही धारा है। क्या यदि राष्ट्रपति जुल्म करेगा, प्रधानमंत्री जुल्म करेगा, प्रिंसिपल जुल्म करेगा, IPS जुल्म करेगा, IAS जुल्म करेगा, क्या उसको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा? क्या संविधान ने मना कर दिया है? क्या IPC ने मना कर दिया है? ये भेदभाव है, ये जातिवाद है, ये वर्ण व्यवस्था है, ये ऊंच नीच की भावना है, मनुवाद उसकी मानसिकता है।